नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो सपने का मतलब अर्थ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम हर बार बताते हैं कि ज्योतिष और स्वप्न शास्त्र के अनुसार हर सपने के पीछे कोई ना कोई मतलब छिपा हुआ होता है, बस आपको सही मतलब पहचानना आना चाहिए। यदि आपको सही मतलब पहचानना नहीं आता तो चिंता की बात नहीं है, ऐसे में हम आपका पूरा मार्गदर्शन करेंगे। दोस्तों, वैसे तो बहुत कम लोगों के सपने में आम आता है। आम फलों का राजा है और सपने में भी आम का सपना यदि किसी को आता है तो यह सपना बहुत ही उच्च श्रेणी या उच्च कोटि का माना जाता है। ऐसा सपना किस्मत वालों को ही आता है। सबसे पहली बात, सपने में यदि आप पीला आम देखते हैं, एक दो या कितने भी आम आप देखते हैं, ऐसा सपना देखना आपको बहुत ही शुभ फल देता है। सपने में यदि आपके आम आता है, आप लड़का या लड़की हैं, तो ऐसे में आपको अपना मन चाह जीवन साथी मिलता है। यदि आप स्टूडेंट हैं तो आपको कम मेहनत में, कम परिश्रम में अधिक लाभ मिलता है, यानी कि आपको सक्सेस आसानी से मिलती है। काम काजी हैं और व्यापार धंधे से जुड़े हैं तो ऐसे में यदि आप आम का सपना देखते हैं तो आने वाले समय में आपको आम की तरह ही मीठे फल मिलते हैं, यानी कि धन प्राप्ति के योग बनते हैं। दोस्तों, कुल मिलाकर आम का सपना देखना हर तरह से अच्छा फलदायी होता है। इसमें आपका बहुत मंगल होता है आगे चलकर। जैसे पारिवारिक अशांति चल रही है, परिवार में किसी चीज़ को लेकर तंगी या कमी चल रही है, तो यदि आपको आम का सपना आता है तो आपके लिए बहुत मंगल होता है ऐसा सपना देखना। इसी प्रकार पेड़ को देखना, आम के जो कि फलों से लदा हुआ है, भरा हुआ है, उस पर आम ही आम लगे हुए हैं, ऐसा सपना यदि किसी को आता है तो उसे भविष्य में बहुत सारा धन प्राप्त होता है। ऐसे जातक या व्यक्ति के जीवन में किसी भी तरह से सुख सुविधाओं में कमी नहीं आती, इसीलिए कहा जाता है आम का सपना बहुत ही मीठे फल देता है, यानी कि बहुत ही उत्तम श्रेणी का सपना होता है सपने में आम को देखना। सपने में आम का आना आपको यह भी संकेत देता है कि आप अपनी आंतरिक शक्तियों को उतना नहीं पहचान पा रहे जितना आपको पहचानना चाहिए, यानी आप अपनी शक्तियों को पहचान नहीं पा रहे। और यदि आप शक्तियों को पहचानते हैं, उनकी समय पर पहचान करते हैं, तो आगे आपके लिए बहुत ही उत्तम फलदायी होगा समय। आपको जीवन में हर तरह से सफलता मिलेगी। आप चाहे किसी भी चीज़ या कार्य से जुड़े हों, अच्छा कैरियर बनाना चाहते हों, तो ऐसा सपना आना आपको शुभ संकेत देता है कि आप अपनी अंदरूनी शक्तियों को पहचानें और उन्हीं के हिसाब से कार्य करें। सपने में यदि आम की गुठली देखते हैं तो इसका अर्थ होता है कि आने वाले समय में आप धीरे धीरे थोड़ी समस्याओं के बावजूद सफलताएं पा लेंगे। जो भी आप सफलता पाना चाहते हैं या किसी चीज़ में सफल होना चाहते हैं, तो आप धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहे हैं और आने वाले समय में आपको सफलता मिलना निश्चित है, क्योंकि गुठली से ही धीरे धीरे आम का विशाल वृक्ष बनता है। ऐसे में आम का सपना नहीं आता, आपको गुठली का सपना आता है, तो ऐसा सपना भी बहुत शुभ माना जाता है। यदि आप सपने में आम खाते हुए अपने आप को देखते हैं या आम के रस का सेवन करते हुए देखते हैं, तो यह आपको आने वाले समय में कोई अच्छे शुभ समाचार देगा, साथ ही आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। यानी कि ऐसा सपना देखना, आम खाते हुए अपने आप को देखना, आपको फल प्राप्ति का संकेत देता है, यानी कि आपकी जो मनोकामना या इच्छा है वो जल्द पूर्ण होने वाली है और आपका आगे आने वाला जीवन जो है सुख समृद्धि में गुजरेगा। जो आपने परेशानियां या तंगी देखी है उनके दूर होने का समय भी आ गया है। दोस्तों, एक बात और, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप सपने में यदि पीला आम ना देखें, हरा आम देखते हैं या जिसे कि अंबी बोलते हैं या कैरी बोलते हैं, कच्चा आम देखते हैं, तो इसका अर्थ होता है आपको फल निश्चित मिलेंगे लेकिन थोड़ी देर लगेगी, यानी कि समय से पहले आपको फल प्राप्त नहीं होगा। समय आने पर ही आपको सफलता, धन की प्राप्ति और दूसरे शुभ या मंगल परिणाम मिलेंगे जो कि आपके हित में होंगे। स्वपन शास्त्र और ज्योतिष के अनुसार कच्चे आम से ही पक कर फल बनता है, इसलिए आपको फल पकने का इंतज़ार करना होगा, यानी कि आपको सफलता निश्चित मिलेगी लेकिन थोड़ी देर से, अपने समय से। सपने में जिस प्रकार से हमने बताया कि आम के पेड़ पर यदि आप आम लदे हुए देखते हैं, बहुत सारे
फल लगे हुए हैं, तो ऐसा देखना धन प्राप्ति का संकेत होता है। इसी के साथ यदि आप पत्ते भी देखते हैं आम के पेड़ के, तो इसका अर्थ होता है कि आने वाले समय में आपको थोड़े समय बाद धन की प्राप्ति होगी, यानी कि लाभ होगा या आपको फल देखने को मिलेंगे। इसलिए यदि आपको सपने में आम के पेड़ के पत्ते दिखाई देते हैं, तो ऐसे में अपने कार्यों को रोकिए मत, निरंतर रूप से करते रहें, आपको फल निश्चित मिलेगा। दोस्तों, यदि आप प्रेग्नेंट महिला हैं, स्त्री हैं, आप गर्भवती हैं और सपने में आपको आम दिखाई देता है, तो ऐसे में स्वपन शास्त्र और ज्योतिष के अनुसार माना जाता है, एक तो आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी रहेगी, स्वस्थ रहेगी, साथ में आपको अपने मन के मुताबिक संतान की प्राप्ति होगी, ऐसा बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं। ऐसे में हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं, जो भी संतान हो उसका दिल से आदर करें। संतान प्राप्ति के लिए महिला को बहुत मुश्किलें उठानी पड़ती हैं, इसलिए जो भी संतान हो उसका दिल से आदर करें। सपने में यदि आम का बगीचा आपको या बाग दिखाई देता है, तो ऐसा माना जाता है कि आने वाले समय में आपको बहुत अधिक धन की प्राप्ति होगी और आपको कई दिशाओं से आर्थिक फायदे मिलेंगे। सपने में यदि आप पेड़ से गिरते हुए आम देखते हैं या आम तोड़ रहे हैं, तो ऐसे में आने वाले समय में आपको थोड़ी सफलता पाने के लिए मेहनत करनी पड़ सकती है। यदि आप आम तोड़ते हुए देखते हैं, यदि आम अपने आप आपके सामने गिर रहे हैं, तो ऐसे में आपकी मनोकामना जो है, इच्छा जो है मन की, वो पूरी होगी। सपने में यदि आप आम खरीदते हुए अपने आप को देखते हैं, तो ऐसे में आपको सफलता पाने के लिए थोड़ा परिश्रम करना पड़ेगा, या धन प्राप्ति यदि आपको करनी है तो उसके लिए कार्य करने पड़ेंगे, आपको थोड़ा परिश्रम अधिक करना पड़ेगा। सपने में यदि आप आम का अचार देखते हैं या खाते हैं, तो ऐसे में आपको बहुत जल्द सफलता मिलने वाली है और बहुत कम मेहनत से। तो दोस्तों, सपने में आम को देखना बहुत ही उच्च कोटि का स्वप्न माना जाता है, बहुत ही श्रेष्ठ स्वप्न माना जाता है। आम की तरह ही आपको आगे आने वाले भविष्य में मीठे फल मिलते हैं, जो कि आपके लिए हितकारी साबित होते हैं। यदि अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न है, तो हमें कमेंट में लिखकर उसके बारे में ज़रूर पूछें कि आपका सपने में आम देखने का मतलब या अर्थ कैसा रहा या कैसा होगा। आगे भी हम आपको इसी तरह की जानकारी देते रहेंगे और आपका पथ प्रदर्शित करते रहेंगे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।